आज का क्वांटम है जूता, जूता में फाइट होगा इसमें मेरा। तभी हमारा एक्सीडेंट हो गया था यार, छी इतना गंदा, मतलब मैं दिखाता हूँ किस चीज में मेरा एक्सीडेंट हुआ है। न्यू तो नहीं है ना, टाटा मेडिकल, टाटा मेडिकल एक पंछी के साथ इसको कंपेयर किया जाता है। हाँ, और पंछी का नाम है अल्बाट्रोस। अल्बाट्रोस। वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो गाइस। और जैसे कि नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, आज हम लोग टीटा स्टेशन में, तो अभी हम लोग जा रहे हैं न्यू टाउन की तरफ। एक स्पेशल प्लेस है, मतलब कि फाइट क्या दे दे, एक फाइटर प्लेस है, मतलब पार्क है, म्यूजियम पार्क कुछ भी कह सकते हैं। वहां पर हम लोग अभी जा रहे हैं, सब भाई लोग हमारे देख सकते हैं। चिकू भाई जूता जूता करे जा रहा है, इसका चक्कर में मेरा जूता देखो गाइस, इसको देखो ये चप्पल में आई है। और हमारा विशाल सब मोसिन मुसिन, सो अभी अभी हम लोग ट्रेन का वेट। क्वांटम क्या है बताओ तो, आज का क्वांटम है जूता, जूता में फाइट होगा इसको मेरा में बीच में। इसको मैंने सुबह सुबह कहा कि मतलब तेरा जो जॉर्डन ब्लैक है वो लेकर आ, वो लेकर ही नहीं आया, वो जॉर्डन का मतलब टी शर्ट लेके आ गया। आज ना YouTube में ना मेन टॉपिक नहीं जाएगा, आज सबसे ज्यादा बड़ा जो है ना, आज कौन जूता पहनेगा, जूता के ऊपर टॉपिक जाएगा आज है कि नहीं बताओ। एकदम। तो अभी ट्रेन का वेट करते, एक और ट्रेन तो मिस कर दिए हम लोग ये जूता जूता करते करते। तो अभी फिलहाल ट्रेन का वेट करते, फिर जाते यहाँ से विधाननगर, फिर हम जाके बताते और कहाँ कहाँ कैसे जाना है, और वो पार्क कौन सा में हम। बस मिल चुका है एसी वाला, भाई तो हमारा भाई हालत खराब हो गया था यार गर्म में, मतलब पूरा पसीना पसीना, इसी बस में बैठ कर यहां से हम लोग को जाना पड़ेगा। मेहनत का पसीना। हां, अभी न्यू टाउन से उतर के, न्यू टाउन नहीं है ना भाई, जाना विश्व टाटा मेडिकल, पहुंचने वाले हैं। और यहाँ से 15 मिनट लगता है। अच्छा, कुछ दिन पहले ही था वो मैच, था अबे टूर्नामेंट था। सो अभी गाइस यहाँ से 15 मिनट लगेगा, तो आपको सीधा जाके वहीं मिलते हैं। जैसे कि अभी हम लोग फाइनली विश्व बांग्ला गेट के यहाँ पर उतर चुके हैं। हम बता दें अभी कि हम लोग जाने वाले एयरक्राफ्ट म्यूजियम, वो मतलब म्यूजियम भी और मतलब बच्चों के लिए वो पार्क भी। तो फाइनली अभी हम लोग जाने वाले हैं ये साइड में। तो हमें आज गाइड कर रहे हमारे चीकू क्वार्टर के दामाद, क्योंकि इसका ऑफिस भी यहीं है, तो इसी वजह से सामने पड़ जाता है, तभी तो हम लोग को गाइड कर रहे हैं। तो जाते हैं अभी, यार धूप इतना है, मतलब बस में अच्छा था, ठंडा मतलब एसी वगैरह चल रहा था, अभी हालत ख़राब हो गया, तो उस पर जाते हैं अभी। टिकट वगैरह का प्राइस तो बता दिए, मतलब यहाँ कैसे ऐसे आते हैं, कौन सा बस पकड़ के, K1, क्या थोड़ा जोर से K1 और K V16, ये सब बस KV22 और S30 260, मतलब बहुत सारा बस है। अगर यहाँ पर अगर आएंगे तो बस वाला को क्या कहने पड़ेगा, टाटा मेडिकल बोलिएगा आप, टाटा मेडिकल कहने से आ सकते हैं गाइस। आप लोग हमारे साथ आज गाइड है, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। अभी जब फोटो, तभी हमारा एक्सीडेंट हो गया था यार, छी इतना गंदा, मतलब एक्सीडेंट हो रहा, रॉन्ग साइड से मतलब घुसा दिया था भाई, अरे रॉन्ग साइड से साइकिल घुसा दिया, तो फिर किसे पता रॉन्ग साइड से आया था। मैं दूसरे तरफ देख रहा था कि कोई गाड़ी वगैरह नहीं आ रहा, अचानक से देख रहा हूँ मैं गिर रहा हूँ, कहीं पर मेरा पैर अटक रहा है, मैं सोचा दोस्त लोग के पैर से अटक गया होगा, मैं ऐसे धक्का दे रहा हूँ तो देख रहा साइकिल में मेरा हाथ लग गया, तो देख सकते हैं गाइस मेरा एक उंगली फूल गया, मतलब थोड़ा सुन हो चुका है, रेड हो गया, मतलब जूता वूता पूरा, मतलब पैंट वेंट सब मैं चढ़ा दिया यार, दिमाग खराब हो गया मेरा एक सेकंड के लिए। और हमको ही ताक रहा था, हम बोले क्या ताक रहा, तू खुद रॉन्ग साइड से घुसा रहा है, हमारा गलती थोड़ी है सर। इसमें लेके चल, हाँ इसमें लेके चल, चल सब
इसी में एक्सीडेंट हो गया। तो यार मैं क्या कहूँ, इतना भयंकर मतलब एक्सीडेंट हो गया था, बच गए जो तो कर रहा व्लॉगिंग का नाम सीमेंट बाल ही है। सो गाइस देख सकते दावत यहाँ पर, मतलब भाई कह रहा है कि चीप एंड बेस्ट मतलब फूड मिलता है, और यहाँ पर विश्व बांग्ला भी बहुत सामने है, तो वहाँ भी जाएंगे वीडियो बनाने। ये तो लेफ्ट साइड में जाता है, ठीक है। कितना करके? फाइनली गाइस वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, जैसे कि देख सकते एयरक्राफ्ट म्यूजियम। ये वाला मतलब फाइटर प्लेन, रियल, ये वाला रियल प्लेन है ऐसा कह रहा है, देखते हैं अभी जाकर कुछ लिखा हुआ रहेगा तो पढ़ते समझते हैं, मुझे खुद नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम आया तो देखते क्या होता है। यहाँ पर देख रहे सारे ब्लॉगर है, कोई मतलब पब्लिक है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम ही लोग हैं, और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लोग बैठा बैठा है। आज मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा धूप है, इसी वजह से कोई आया भी नहीं होगा। चेक दिस आउट कुछ बोलेगा चिकू क्वार्टर का दामाद? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तभी इसके अंदर वीडियो अलाउ नहीं है कह रहा, फिर भी ये कह रहा है कि जैसे तैसे करके करवा देगा, इसका पहचान है, इसका ऑफिस तो यहीं पर ही डेली आते रहता है, तो पहचान बना के रखा है, अच्छा बात है। अभी देखे वीडियो फोटो वगैरह करते फिर आपको दिखा दे। बनाया गया है, इसका नाम है टुकलोब 142M। इस एयरक्राफ्ट का मेन जो काम है SW है, इसका मेन रोल है SW एंटी सबमरीन वॉरफेयर, जो कि सबमरीन दुश्मन का सबमरीन पानी के अंदर डूब के आएगा और हमारा शिप वगैरह को डैमेज करके चला जाएगा, तो उससे बचने के लिए ये प्लेन को बनाया गया, डिजाइन किया गया, ताकि वो जो दुश्मन का सबमरीन डूब के आएगा उसको डिटेक्ट करेगा और मारेगा। एंड दूसरा रोल है लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रेकनेंस, जो कि समुद्र में कोई चीज़ शिप और एरोप्लेन कुछ मिस हो जाता है, गुम हो जाता है, तो उसको ढूंढने का काम भी यह करता है। और इसका लेंथ है 53 मीटर और विड्थ है 50 मीटर। ये मैक्सिमम 16 घंटा 45 मिनट तक फ्लाइंग कर सकता है, और इसका स्पीड जो है 900 किलोमीटर पर आवर, जस्ट 1 मैक से कम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा, और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फास्टेस्ट और हेवीएस्ट एयरक्राफ्ट जो टर्बोप्रॉप इंजन में है। इसका जो इंजन देख रहे हैं आप, ये टर्बोप्रॉप इंजन है। अच्छा। इसका एक इंजन का पावर है 15060 हॉर्स पावर SHP, 15000 SHP। और ये तीन मेन मिशन में ऑपरेशन, तीन जो बड़ा ऑपरेशन है उसमें यूज हुआ है। 1992 ऑपरेशन कैक्टस मालदीव्स के साथ हुआ था, और 99 ऑपरेशन विजय आप लोगों को पता होगा कारगिल पाकिस्तान के साथ, और 2001 में जब हमारा पार्लियामेंट में अटैक हुआ था तो उस टाइम एक ऑपरेशन चला था ऑपरेशन पराक्रम पाकिस्तान के साथ। तीन बड़ा बड़ा ऑपरेशन में ये यूज हुआ है। और उसके बाद जब ये रिटायर हो गया 2017 में, तो यहाँ पे लाके म्यूजियम बनाया गया, ताकि यहाँ एक कलकत्ता का ही जो न्यू टाउन है, एक एजुकेशन हब के नाम पे जाना जाता है, और ताकि यहाँ पे जो नया स्टूडेंट्स बच्चे लोग आते हैं तो देखेंगे, उनको थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा आगे के लिए पढ़ाई के लिए, और देश की सेवा के लिए ज्वाइन करने के लिए डिफेंस में भी इंस्पिरेशन मिलेगा। हवाई जहाज का अभी आप सामने पहले देख लीजिए, सामने जो एक बूम का दिख रहा है, ये बूम है, एयर टू एयर रिफिलिंग का बूम है। एंड एयर टू एयर अगर किसी फील्ड की जरूरत पड़ेगा तो एयर एयर टू एयर रिफिल के लिए इसमें वो फैसिलिटी है। 3 मीटर का दिख रहा है और आगे 9 मीटर और एक्सटेंशन होता है। और ये व्हाइट वाला पोर्शन है वेदर रडार का, आसमान में कहीं वेदर खराब होता है कुछ होता है तो इंडिकेट कर देता है, मतलब वो 9 मीटर और भी बढ़ सकता है। और ये इसका एंट्रेंस एक किसी तरह से होता है। इसको इसके अंदर रडार रहता है, और इस रडार को एयर फ्लो से बचाने के लिए रैडम शेप का इसका कवर है, ठीक है। जितने भी अमुनेशन इसमें रहता है, बॉम हो गया, मिसाइल हो गया, सोनोबॉय, ये सब यहीं से लोड होता है और यहीं से ड्रॉप होता है।
ये डोर नॉर्मली ऐसे अभी खुला पोजीशन में रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए, ये फ्लाइंग के टाइम में से बंद रहता है और उसे ड्रॉप करना है तो ऐसे खुल जाता है। अच्छा, एक बार में कितना लेता है? जो की साउंड और लाइट क्रिएट करता है, जो टारगेट और लाइट है साउंड को फॉलो करके आएगा तो वो जब फायर करते है तो उसको फॉलो करेगा, ये भाग जाएगा। एक सेकंड में 20 अराउंड 20, क्योंकि पर मिनट ये 1200 से 1300 राउंड गोली फायर करते हैं। और ये हाँ, ये ऐसे जो दो देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक ऊपर को 120 डिग्री ऊपर और नीचे साइड ऐसे पूरा रोटेट होता है ये गन। सेकंड में 40 ना, एक सेकंड में 40 और किलिंग रेंज है 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर के अंदर अगर किसी को लग गया तो बचने का चांस 0% भी नहीं है। 8 mm मतलब तो पूरा एकदम पार, कोई बचने का चांसेस नहीं। पबजी खेल रहे थे, इंजन तो देख रहे हो ना, 1, 2, 3, 4 इंजन है। एक इंजन का पावर है 15,000 SHP और इसका प्रोपेलर ब्लेड्स एक दूसरे के उल्टा दिशा में घूमते रहते हैं। ये अगर क्लॉकवाइज हुआ तो वो एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा। क्यों? उसका डिजाइन ऐसे किया गया था कि इसको एयर फ्लो सही से मिले और जो स्टेबिलिटी मिले। अच्छा, ठीक है। हमारा सेकंड फेज उधर बन रहा है, इसमें जो बन जाएगा 6-7 महीने के बाद, फिर उसमें एक इंजन को आपको खोल के रखा के दिखाया जाएगा, इंजन के अंदर क्या क्या होता है, कैसे इंजन काम करता है, इंजन में कैसे क्या क्या अंदर आइटम होता है, कैसे इंजन काम करता है, पावर कैसे मिलता है इंजन से, वो सब चीज़ दिखाया जाएगा आपको बाद में नेक्स्ट फेज में।87 टन बाई ग्रेविटी फ्यूलिंग करेंगे तो 87 टन और बाई प्रेशर फ्यूलिंग 85 टन। मतलब तो 85 टन सोच लो, जो आपका फ्यूल पेट्रोल पंप में बाउजर आता है ना, कम से कम 15 बाउजर इसमें भर जाएगा, 10 से 15 बाउजर। और एक घंटे में ये 6 टन फ्यूल खाता है, अगर 4 दिन रनिंग करेगा एक घंटे में 6 टन फ्यूल खा जाएगा। ये 6 टन फ्यूल एक घंटे में, और 18 घंटा ये फ्लाई कर सकता है एक बार में, 16 घंटा 45 मिनट। और एक पंछी के साथ इसको कंपेयर किया जाता है ना। हाँ, उस पंछी का नाम है अल्बाट्रॉस। अल्बाट्रॉस, हाँ, आप लोग उसको गूगल में सर्च कर सकते हैं। अल्बाट्रॉस जो सबसे लंबा समय तक फ्लाइंग कर सकता है बिना कुछ खाए पिए, वो सिर्फ अंडा देने के लिए ही वो आता है, तो नहीं तो उसी के कंसेप्ट पर इस हवाई जहाज को बनाया गया। तो इसका जो टीम है अल्बाट्रॉस टीम है हमारा, उसमें काम करता है। हां, एकदम। थैंक यू टू वी आते हैं हम लोग। थैंक यू गाइस। अब हम लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर जाकर दिखाते हैं अंदर की तरफ। अंदर वीडियो अलाउ नहीं है तो देखते हैं जैसे तैसे करके करते हैं चुपचाप। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर कॉकपिट ऐसा रहता है कुछ अंदर का। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मेरे को 8 जने दिखे, और भी हो सकता है 8, 9, 10 जने इस पर लेन को कंट्रोल करता है गाइस। सो गाइस मैं आपको ये फोटो वगैरह चेक कराता हूँ, देख लीजिए उसके बाद बताइए कैसा हुआ है। सो गाइस फोटोज वगैरह आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारे मोहसिन भाई यहाँ, आदे भाई वहाँ पर, अच्छा ले रहे ये भाई का तो अलग ही पोज है। तो अभी
यहाँ पर अभी थोड़ा सा बैठते हैं, अभी शाम तक रहते हैं यहाँ पर। लाइटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छा होता है, तो वीडियोस वगैरह भी बहुत सारा बनाना है गाइस, तो सब आपको दिखेगा मेरे इंस्टाग्राम में। और कुछ डाल देते हैं यहीं पर, इंस्टाग्राम छोड़े आप करने तो नहीं मालूम आई नो, क्योंकि यार मैंने चेक किया था मेरे यूट्यूब वीडियोस का मतलब रिव्यूज, मतलब कि देखते बहुत लोग हैं, मतलब 70% नॉन सब्सक्राइब्ड है और 30% सिर्फ मतलब सब्सक्राइब्ड है। तो गाइस 70% क्या कर रहे हो आप लोग, थोड़ा सा मोहब्बत दिखाइए अपना भाई को। सो अभी आप लोगों को इतना मैं दिखा रहा हूँ ये सब, अभी और एक जगह जाते गाइस, यहाँ से थोड़ा सेंट देता, देख सकते हैं द बिशुआ बंगला। सो वहाँ पर भी आपको रात को लेके जाएंगे, वहाँ पर चेक कराते हैं। आज हमारे यहाँ पर दावत है गाइस, तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करते हैं, अभी फ़ोन भी हीट हो चुका है काफ़ी ज़्यादा और हम तो काले हो ही चुके हैं, देख सकते गाइस शक्ल का हालत, इतना धूप में निकले थे होता है। और ये लोग तो मुझे कह रहा था और जल्दी निकल यार, मैं पागल हो जाऊंगा, तो अभी रहते थोड़ा सा और वीडियोस वगैरह बनाते दिखाते आपको, चेक कराते पूरा सीन्स। ऑलराइट गाइस, अभी हमारे विशाल भाई निकल रहे और हम लोग यहीं पर रहेंगे, अभी यहाँ पर हम लोग वीडियोस वगैरह बना रहे, तो विशाल भाई चल जा रहे हैं भाई, इसलिए जा रहा हूँ मैं, बहुत कर देना ठीक है। और कहाँ जाएगा बोल, चल खाने, फिर क्यों आया अब इसको, मिस कॉल मारने, मिस कॉल मार जल्दी मार ठीक है, मारना जा तेरा, क्या हुआ नंबर लो नंबर, चल खाते चल, निकलने से घुसने नहीं देगा तो बना, एक ही बार निकलेंगे इसलिए तो बैठे तो लोग, हाँ तो ते भी बनाओ, आओ हम बना ले। अब चल इधर से एक राउंड ऐसे मारेंगे, फोटो खींचते खींचते वहाँ से चल ना, फोटो खींचते खींचते चल ना, चल चल चल। सो गाइस अब यहाँ से एक राउंड मारते हैं, वहाँ से आपको दिखा देते फिर निकल जाते वाले थे, अबे बोलने वाले नहीं 70 तो कहा कह रही, इसको तो जोर्डन लाए, तुम बोला जोर्डन जूता लाने, हम जोर्डन कपड़ा लेके आए। ये सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर दिया, इसको मैंने कहा जॉर्डन वाला तेरा जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला है वो वाला बूट शूज लेकर, और ये एयर जॉर्डन टी शर्ट लेके आ गया, अब ये वाला भी पहनेंगे, ये वाला भी मेरा ही है। सो ऑलराइट गाइस, जैसे कि अभी हम लोग ये एयरक्राफ्ट ये म्यूजियम या पार्क से हम लोग निकल रहे, अब हम लोग जा रहे, देखे कुछ खाना पीना खाते, मोहसिन भाई का पेट दर्द कर रहा है, तो अभी खाते वाते वो दावत में फिर आपको दिखाते हैं, पहले जाते दावत का दिखाते आपको। सो गाइस जैसे कि अभी हम लोग दावत रेस्टोरेंट में, यहाँ पर अभी मेन्यू देख रहा है भाई, अभी बिरयानी खाएगा, हम लोग हल्का फुल्का खाएंगे चाउमीन वगैरह, तो कुछ देख सकते हैं इंटीरियर काफ़ी सुंदर है यहाँ पर दावत रेस्टोरेंट में। सो अभी यहाँ पर खाते वाते तो उसके बाद आपको बाहर जाके और दिखाते हैं गाइस। सो ऑलराइट गाइस, जैसे कि अब हम लोग का मतलब प्लान कैंसिल हो गया विश्व बांग्ला का, हम लोग फिर और एक दिन आने वाले हैं, तो उस दिन हम लोग विश्व बांग्ला जाएंगे। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही तक रखते, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। भाई कुछ बोलना है अपने इस ब्लॉग में, मिलते हैं हम लोग विश्व बांग्ला में। सो गाइस मिलते हैं, और यहाँ से देख सकते हैं लाइटिंग वगैरह अभी काफ़ी सुंदर हो चुका, तो अब नेक्स्ट टाइम आपको दिखाते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें विश्व बांग्ला में। सो बाय बाय।